कानपुर के बर्राहाट निवासी ओम नारायण अवस्थी का 15 वर्षीय बेटा आदर्श अवस्थी छात्र अपने स्कूल जाने के लिए घर से सुबह 8 बजे निकला, लेकिन घर से स्कूल के लिए निकलने के बाद अभी तक ना तो स्कूल गया ना ही घर वापस आया। दरअसल पूरा मामला गुजैनी थाना अंतर्गत बर्राहाट का है। गुमशुदा बच्चे के पिता ओम नारायण अवस्थी ने बताया, उनका बेटा सुबह 8 बजे अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकला था। व्हाट्सएप से स्कूल का ग्रुप जुड़ा होने से पता चला बेटे की उपस्थिति दर्ज नहीं है। बेटा हर दिन स्कूल से 3 बजे वापस आ जाता था, लेकिन शाम तक इंतजार करने के बाद वो घर नहीं आया। परिवार में घबराहट मची तो आसपास ढूंढा गया, रिश्तेदारों में पता किया, फिर भी ना पता चला। समय बढ़ता गया, बच्चे के साथ अनहोनी होने का डर सताता गया, जिसके बाद पुलिस को खबर दी गई। मौके पर गुजैनी थाने की पुलिस ने पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल की और सूचना ढूंढना शुरू किया। बेटे के घर ना लौटने से पूरा मोहल्ला गमगीन नजर आया। मोहल्ले के सभी लोग उनके घर के पास इकट्ठा हो गए। पिता का कहना है, बच्चा काफी सीधा है, ना तो कभी कोई लड़ाई करता है, सीधे घर वापस आता है, बाहर भी कम निकलता है, उनकी खुद किसी से दुश्मनी नहीं है, उसके बावजूद ऐसा हो जाना उनकी घबराहट को बढ़ा रहा है। आदर्श अवस्थी नाम है, 8:30 बजे सुबह घर से विद्यालय के लिए निकला था, लेकिन विद्यालय पहुंचा नहीं है। जब शाम 6 बजे तक गरीब घर नहीं आया तो संबंधित थाने को सूचना दिया, गुजैनी थाना बर्रा काल को। कैसे पता चला, स्कूल गया था कि नहीं? व्हाट्सएप पे सूचना आई थी कि आपका बच्चा एब्सेंट है, स्कूल जाके संपर्क किया तो मौके पे नहीं था। कितनी देर से गया? सुबह 8:30 बजे से गया। क्या नाम था और कैसा था? आदर्श अवस्थी। कैसा था? रंग हुआ, कलर का रंग है और 9th क्लास में पढ़ता है, सरदार पटेल जरोली फेज 2 में। पुलिस को सूचना दिया, पुलिस तत्काल हमारे साथ आई, संबंधित इलाके में जानकारी करने के लिए पुलिस ग्राउंड पे है। ये बताइए, जब स्कूल में आपको लगा कि वो नहीं आया, फिर लगा कि कहीं डरा होगा, उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर आपने कुछ प्रयास किए? नहीं नहीं, बच्चा डरा हुआ कहीं कुछ नहीं, घर से स्कूल के लिए निकला, लेकिन वहाँ जब पहुँचा नहीं, व्हाट्सएप में हमें सूचना मिली कि बच्चा आपका एब्सेंट है, तो स्कूल जाके संपर्क किया तो बच्चा वहाँ अनुपस्थित पाया गया। तो ये था कि 3 बजे तक घूम टहल के कहीं ना कहीं से आ सकता है, जब नहीं आया 3 बजे तक तो उसकी खोजबीन हमने चालू किया। जब शाम 6 बजे तक कोई पता नहीं मिला तो संबंधित थाने में एप्लीकेशन दिया, फ़ोटो दिया, वहाँ से तुरंत 2 कांस्टेबल हमारे साथ मौके में आके गश्त पे निकल गए उसको ढूंढने के प्रयास। नहीं नहीं, हमको किसी पे कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारी किसी से कोई रंजिश नहीं है। हमें चाहते हैं बच्चा हमारा हमारे घर आ जाए। पुलिस सहयोग कर रही है? जी सर, कर रही है।